कुल्हाड़ा चलाते वक्त इन चीज़ों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है? और उसके बाद हमें तो आप निकालते हो, बगैर किसी वजह के निकालते हो, आंखें बंद कर लेते हो हमें निकालते वक्त, फिर लाते किसको? किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता, जब भी बोलता है तो गालियां देता है। अब मैं क्या किसी की बात करूं? मुझे बहुत, यानी कि मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। हमें बेवजह सजाएं दी गईं, बगैर किसी वजह के हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, खुद अपने मुल्क को पटड़ी से उतारा, करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को पांच बंदों ने उठाकर बाहर फेंका, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। जब वज़ीर आज़म को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें हटाकर किसे लाया गया? ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियाँ देता था, उसे लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। अब हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं। क्या इसलिए कुर्बानियां दी थीं कि आज मुल्क का ये हशर हो? हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मुल्क का भारी नुकसान हो गया, इस नुकसान का अजाला करना सबका फ़र्ज़ है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। अब वफा का इस्तारा है, पे मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया और वो मुश्किल वक्त जो है वो काटा। आपके 84 MNA थे, 1 MNA नहीं टूटा। कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब भुगता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। असेंबली में कहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, जब तकरीर कर रहा था तो उस वक्त पीटीआई वाले हंस रहे थे। नवाज शरीफ वफाक का इस्तेआरा है, वो कारकुनान के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, वर्कर्स भी आज इस्तकामत के साथ उनके साथ हैं। हमारा 1 MNA नहीं टूटा, गुज़िश्ता 4 साल में महरूमियाँ दी गई, 8 फरवरी को इसका अजाला होगा, नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। की बात कर रहा हूं मैं, तो धरनों में कहा जाता था कि दरिया था, उसके बिल्कुल बाहर ही धरना हो रहा था वहां पे, तो मैं अंदर बैठा हुआ था वहां पे, कि इस बंदे को, नवाज शरीफ को, इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस से। हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। मैं तो फारग कर दिया, एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का बैठा 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 दिया। समझने से कासिर हूँ, मुझे जेल क्यों भेजा गया? 1999 में भी सुबह मुल्क का वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। कोशिश की गई मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज़ कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल गईं। धरनों के दौरान कहा जाता था नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाएगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? नून लीग की कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित, दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहंदी को सजा सुना दी गई। हैदर रजा मेहंदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहंदी को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR दोनों साबिक अफसरान पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का सबब बन रहे थे, झूठी खबरों को फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का इजहार ख्याल,
ये भारतीय चैनल्स के बड़े फेवरेट थे, इनको भारतीय एजेंसियों से फंड्स आ रहे थे, दोनों पेश नहीं हो रहे थे, इंटरपोल के जरिए लाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक्कार खान की गुफ्तगू, कौमी सलामती के तनाजुर में ये इकदाम बहुत अहम है, इन दोनों को दिफा का पूरा मौका दिया गया लेकिन पेश न हुए, अपने जरायम से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, इनको सजा देना बहुत ज़रूरी था। दिफाई तजिया का सैयद मोहम्मद अली की गुफ्तगू, पाकिस्तान से बाहर बैठकर बगावत पर उकसाना संगीन जुर्म है, इन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उधम मचा रखा था, दोनों का नाम ECL में डालकर इंटरपोल के जरिए वापस बुलाया जा सकता है, अब इनका रेड वारंट जारी होगा, माहिर कानून राजा खालिद। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर RJ शॉपिंग मॉल में आतिशजदगी, 11 अफराद जांबहक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक, 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, दर्जनों दुकानें जल गईं, 8 गाड़ियों और स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना, आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी, छठी मंजिल से शुरू होने वाली आग फैल गई, 9 लाशें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल, 1 मैयत को सिविल और 1 को आवासीय शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान की 3 रुकनी कमेटी कायम, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था, दम घुटने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ, कोई रास्ता ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रेस्क्यू अहलकार का इंकशाफ। स्नार्कल्स भी आ गई लेकिन ये कि स्नार्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के जरिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे और 4th फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के जरिए जो नीचे लेकर आए, बैक साइड से 1-2 बंदों को स्नार्कल के जरिए उतारा था। इद्दत में निकाह का मामला, खावर मानिका के चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त, बयान कलम बंद करा दिया। हमारी अज़दवाजी जिंदगी चेयरमैन PTI की दखलंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा, परागोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने के कहा जिस पर मैंने इनकार कर दिया, खानदानी मामला समझता था लेकिन अब ये बातें मंजरेआम पर आ गई इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खावर मानिका का मौके समाअत 28 नवम्बर तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा, मरियम औरंगजेब के पेश ना होने पर दोबारा नाकाबले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया, साबिक वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब, जावेद लतीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई, अदालत ने नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक्तसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, इन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। लोगों के इलेक्शन से ज़्यादा माशी मसाइल हैं, इंतखाबात मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए, जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए माशी मसाइल अहम होंगे। चिल्ले के दौरान किसी के खिलाफ दफ़ा 164 का बयान नहीं दिया, मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, जब ये आवाम में वोट लेने निकलेंगे तो इन्हें लग पता जाएगा, कोई भी जमात 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी, शेख रशीद की पेशगोई। सदर को काम से रोकने और उहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, RFLV ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो गैर आइनी इकदाम के मुर्तकिब हुए। RFLV ने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है, बतौर सदर काम करने से रोका जाए, दरख्वास्त में सदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी कुव्वत बन चुकी है जिसको कोई सियासी जमात अकेले नहीं हरा सकती, ये बस इलेक्शन की चीजें हो जाए फिर आपको पता चलेगा कि कौन कहां क्या होता है।
इलेक्शन होने दें फिर पता चलेगा कौन क्या है। साबित हो गया पीपी को कोई जमात अकेले नहीं हरा सकती। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को पीपल्स पार्टी महफूज बना रही है। एक एक ज्याला डिलीवर करने में मसरूफ है। कोई कहता है थरकोल का मंसूबा हमने बनाया। पीपल्स पार्टी हकीकत थी और रहेगी। हम आवाम के दिलों में रहते हैं। बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा शेड्यूल था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। पीटीआई का नौजवानों के साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका। वोटर्स के साथ वादे पूरे नहीं किए गए। अब नाइंसाफी नहीं मेरिट की बालादस्ती होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए मैदान में मौजूद है। आईपीपी का वजूद 9 मई के वाकयात के बाद अमल में आया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आवाम दोस्त जमात है। आईपीपी तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला को मरासला। आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। सूबों से दस्तयाब सिक्योरिटी अहलकारों की कुल तादाद और प्लान भी मांग लिया। विफाक और सूबे आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। तमाम हलकों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद रहे। मार्केट्स में कारोबार जारी। कल तजारती मराकज पूरा दिन बंद रहेंगे। लाहौर में मॉल रोड पर एक रोज के लिए गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां। सूबे भर में लाखों रुपए जुर्माने। 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फसलों की बाकियात जलाने के जुर्म में मुख्तलिफ अजला से 7 अफराद गिरफ्तार। स्मॉग की रोकथाम के लिए तमाम तर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची में सर्दी की पहली बारिश। कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं बादल खुलकर बरसे। सिंध में कई मकामात पर आज रात और कल बारिश की पेशगोई कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाकों पिसनी, तुर्बत और पंजगोर में बादल बरस पड़े। कई दीगर इलाकों में भी मतला अबर आलूद। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से मुतालिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता समाअत का 5 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इंसानी हुकूक को तलब किया। 21 समातों के बावजूद इस मसले पर मुस्बत नतायज न आना आइन की तौहीन है। कुछ लापता बलोच तलबा घरों को लौट आए, कम अज कम 50 अब भी गायब है। अदालतें मजलूम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती हैं। रियासती ओहदेदारों के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतजलजल कर दिया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची, वफाकी हुकूमत इस मामले पर गैर संजीदा है। वजीर आजम, वजीर दिफा और दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पेश होकर बताएं मामले को अहमियत क्यों नहीं दे रहे। उम्मीद है वजीर आजम, वजरा और सेक्रेटरीज ठोस नतायज के साथ पेश होंगे। नाकामी की सूरत में समझा जाएगा कि मंदरजा बाला अफराद रियासती मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुक्मनामे का मतन। गजा में जंगबंदी का दूसरा रोज। हमास की जानिब से 25 कैदियों की रिहाई हो गई। इसराइली, थाईलैंड और फिलिपाइन के शहरी शामिल। रिहाई की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी खातीन और बच्चों को रिहा किया। सहूनी हुकूमत की जानिब से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों के लिए 4 शराइत आयद। जश्न मनाना या मीडिया पर आना ममनू होगा। अमरीकी कोशिशों से मशरक के वस्ता में अमन का क्याम मुमकिन हुआ। जरखमालियों की रिहाई शुरुआत है। माहदे में तोसी की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मजीद कैदी भी रिहा होंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते कि जंग मजीद कितनी देर जारी रहेगी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान दो रियासती हल पर काम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग बंदी होते ही गजा के बाजारों की रौनकें बहाल। फ्रूट के स्टॉल्स लग गए। खान यूनिस की मार्केट्स भी खुल गई। अशियाई जरूरिया की खरीदो फरो।
فلسطینی صدر کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات، القدس اور مقبوضہ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ محمود عباس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کوئی حل نہیں ہے، یہ فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ ہے۔ غزہ کی پٹی کو القدس سمیت مغربی کنارے سے الگ کرنا اور اس پر دوبارہ قبضے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ، ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غزہ کے بہادر بیٹوں کے حق میں مظاہرے کے دوران مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل نے ہتھے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے، مظاہرین کا مطالبہ۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطین کا حامی ہے، اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ برابر کے شہری ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیلی مصنوعات کی جگہ پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دینی چاہیے، مسلم حکمرانوں نے اپنا کام نہیں، اس لیے اسرائیل نے غزہ میں اپنی جارحیت جاری رکھی۔ عالم اسلام سخت موقف لیتا تو اسرائیل مجبور ہو کر قابض علاقوں سے نکل جاتا، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا ٹاک۔ یہ ہیلتھ سسٹم صرف اس صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہمارے ڈاکٹرز نیک نیتی کے ساتھ اس ہاسپٹل کی اونرشپ لے لیں۔ پاکستان کہیں نہیں جا رہا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پاکستان آپ کو بہت جلد ٹیک آف کرتا نظر آئے گا۔ آپ کو اگلے 4-5 دن میں، میں کیونکہ اس کو آفیشلی نہیں بول سکتا ہوں، لیکن اکانومی سے ریلیٹڈ بہت بڑی بڑی خبریں ان شاء اللہ آنے والی ہیں۔ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہاسپٹلز میں ادویات فراہم کر رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں۔ اگر ڈاکٹرز 6 گھنٹے کی تنخواہ لیں اور 3 گھنٹے کام کریں تو یہ حلال نہیں۔ ہیلتھ سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب ڈاکٹرز اونرشپ لیں گے۔ اگلے 4-5 دنوں میں اکانومی سے متعلق بڑی خبریں آنے والی ہیں، پاکستان بہت جلد ٹیک آف کرتا نظر آئے گا۔ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ کنٹرولڈ الیکشن کسی صورت مسائل کا حل نہیں، شفاف الیکشن نہایت ضروری، صوبوں کو اختیار دینے سے وفاق مضبوط ہوا، صوبوں کے اختیارات کم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنے دیں گے، اے این پی رہنما امیر حیدر ہوتی کی میڈیا سے گفتگو۔ 18ویں ترمیم ایک دھوکہ ہے، اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوا، وسائل اور طاقت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، کراچی کے وسائل اور مینڈیٹ کو لوٹنے نہیں دیں گے، کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی۔ بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات، بھارت سے 3000 کے قریب سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے، اسپیشل بسوں کے ذریعے گردوارا جنم استھان ننکانہ لے جایا گیا، ضلع انتظامیہ کے حکام نے استقبال کیا، تقریبات 27 نومبر کی رات گئے تک جاری رہیں گی۔ بھارتی جتھا سردار خوشبندر سنگھ کی جانب سے انتظامات کی تعریف کی گئی، بابا گرو نانک کا پیغام پوری دنیا میں بھائی چارہ قائم کرنا ہے، خوشبندر سنگھ کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پاکستان سے گردوارا پربندھک کمیٹی نے وشیش طور پر سنگتاں واسطے رہائش دا پربندھ، لنگر دا پربندھ، چائے پانی دا اور ٹرانسپورٹ دا پورا پربندھ اسی انہاں واسطے کیتا ہے۔ جتنے بھی پاکستانی ویر نے، چاہے بارڈر تے نے چاہے ادھر نے، بہت سونا انہاں نے سواگت کیتا ہے جی۔ ایتھے آن کے بہت ودھیا لگیا، تسی بہت آدر مان کیتا ساری سنگت دا۔ ایتھے آن کے بہت خوشی ہوئی جی، ایتھے بہت اپنا پن محسوس ہویا۔ جنم بھومی اسی انہاں دے درشن کرن آئے ہیں ننکانہ صاحب، تے سانو ایتھوں دے لوکاں نے بہت پیار دتا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، 24 نومبر کو 1925 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، اب تک 2,51,008 افغان باشندے وطن واپس جا چکے۔ پاکستان نے غیر قانونی مقیم افراد کی 40 برس تک مہمان نوازی کی۔